बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने फ़ारसी इख्तियारी के दो मज़ामीन के MCQs देखे। आज की वीडियो में हम लोग तीसरा सबक और चौथा सबक फ़ारसी इख्तियारी BA के MCQs देखेंगे, जिसमें MCQs नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 वाला है, एंड जो MCQs नंबर 2 है करेक्ट ऑप्शन 2 वाला है 710 हिजरी। MCQs नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है। MCQs नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है। MCQs नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन 2 वाला है 751 हिजरी। MCQs नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 वाला है 771 to 772 हिजरी। MCQs नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 वाला है 3000। MCQs नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है। इसी तरह स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है 740 हिजरी। MCQs नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है 7। एंड उसके बाद इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट हमारे पास स्टार्ट होता है, जिसमें MCQs नंबर 11 है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है पाक दामनी। MCQs नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है देखना। MCQs नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 वाला है गाली गलोच। एंड स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 वाला है ऐशो इशरत। MCQs नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है बदकारी। MCQs नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 वाला है सियासत। MCQs नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है 100। MCQs नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट वाला है तकरीबन 90 साल। MCQs नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है फतेह। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेसन नंबर 3 के MCQs थे। इसके बाद जो फारसी इख्तियारी का लेसन नंबर 4 है उसके MCQs हम लोग देखते हैं। चौथा सबक है, इसमें जो MCQs नंबर 1 है उसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट वाला है मौलाना सादुद्दीन के। MCQs नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 वाला है वालद से। MCQs नंबर 3 में जो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है। इसी तरह MCQs नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है 78। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 5 है, जिसमें करेक्ट ऑप्शन है 908 हिजरी। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है अलामा दुआनी की। MCQs नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट वाला है, यानी कि 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। MCQs नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 अबवाब पर तकसीम की गई। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है 10 वाला, करेक्ट ऑप्शन 2 वाला है जी हाँ। MCQs नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है कम ज़र्फ़ी। MCQs नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है कम अखली। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है कम ज़र्फ़ी एंड कम अकली। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 14 है, 14 का जो करेक्ट ऑप्शन लास्ट वाला है 4 वाला करेक्ट ऑप्शन है 14 का।
स्टूडेंट्स, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, जिसमें करेक्ट ऑप्शन 2 वाला है, शुभ कर बात करना। एमसीक्यूज नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 वाला है। एंड जो एमसीक्यूज नंबर 17 है उसका करेक्ट ऑप्शन 2 वाला है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 18 है उसका करेक्ट ऑप्शन है 1 वाला, मिसाल से। एमसीक्यूज नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है 4 वाला, इंसाफ। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 है जिसका करेक्ट ऑप्शन 2 वाला है, बेवकूफ। एमसीक्यूज नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन 3 वाला है, 2 और 3 दुरुस्त हैं। एमसीक्यूज नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 वाला, गुस्सा की। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है। एंड स्टूडेंट्स, जो 24 है उसका करेक्ट ऑप्शन 2 वाला है, बेवकूफ़ों की। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 25 है इसका करेक्ट ऑप्शन 3 वाला है, एंड नौकर। एमसीक्यूज नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 वाला है, हजूम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 वाला है, कराटे। एमसीक्यूज नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है, सोना। एमसीक्यूज नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 वाला है, गम। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, एमसीक्यूज नंबर 31 वाला करेक्ट ऑप्शन है, इत्तफाक। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6 के एमसीक्यूज अपलोड कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।